हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ छोंक वाले चावल की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए चावल 2 कटोरी, जिसे मैंने भिगोकर रखा है, छोटी इलायची 5, लौंग 5, दालचीनी छोटा टुकड़ा, जीरा 1 टीस्पून, साबुत लाल मिर्ची 2, काली मिर्ची 9-10, चक्र फूल 1, एक मीडियम साइज का प्याज लंबा कटा हुआ, 8-9 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, 1 नींबू का रस। अब हम खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं। लौंग, दालचीनी, फूल चक्र और काली मिर्ची, छोटी इलायची, साबुत लाल मिर्ची, और अब जीरा भी डाल देते हैं। मसाला रोस्ट हो चुका है, अब इसे एक साइड में रख देते हैं और एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। अब इसमें प्याज डाल देते हैं। और अब इसमें लहसुन भी डाल देते हैं। प्याज और लहसुन को लाइट ब्राउन करना है। प्याज और लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है, अभी गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और रोस्टेड मसाले भी इसमें मिला देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है, अब इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। मसाला रेडी हो चुका है, इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है। चावल में से पानी निकाल कर कुकर में डाल दीजिए। अभी इसमें पिसा हुआ मसाला भी डाल देते हैं। दो कटोरी चावल में 3 कटोरी पानी डालना है। मैंने वही मिक्सी के जार में पानी लेके डाल दिया है। अब इसमें नमक डाल देते हैं और फिर नींबू का रस भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी गैस ऑन कर देते हैं और ढक्कन लगाकर इसे 2 विसल आने तक रख देते हैं। दो विसल आ चुकी हैं। अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। स्टीम निकलने पर हम इसे खोलकर देखेंगे। अभी हम इसे खोलकर देखते हैं। चावल तैयार हो चुके हैं। देखिए, हमारे छोंक वाले चावल तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।